extra time. जब राहुल पास्ट में खेले हैं तो वो एज एन ओपनर खेले हैं और वो हमेशा जो ओपनर फॉर्म में नहीं रहे हैं उनको हमेशा उन्होंने वो जगह आके फिल करी है. तो वो आई थिंक जो बैटिंग कॉम्बिनेशन है वो हमारा एक टीम मैनेजमेंट का एक पर्सनल कॉल है. लेकिन एज फार एज विकेट कीपिंग गोज, आई थिंक रिद्धिमान साहा इज़ अ स्पेशलिस्ट कीपर जो हमारे हमेशा से फर्स्ट चॉइस रहे हैं. उनकी बैटिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हुई है पिछले कुछ महीनों में और हम उन पे बैंक करते हैं क्योंकि वो एक क्वालिटी विकेट कीपर हैं. तो जो आपके हाफ चांसेस होते हैं वो एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकते हैं. केएल ने भी काफ़ी मेहनत करी है कीपिंग पे. वो उस सिचुएशन में हैंडी होंगे जब से साहा को इंजरी है और आपका ऑलरेडी एक इस्टेब्लिश टेस्ट बैट्समैन है जो विकेट कीपर भी है, तो वो अगर उनको रिप्लेस करेंगे तो वो भी हमारे लिए कॉम्बिनेशन ठीक बैठेगा. फिर हम मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग करने को देखेंगे अगर साहा किसी वजह से नहीं खेल पाते हैं. लेकिन ऑब्वियसली साहा एक स्पेशलिस्ट कीपर है टीम में, तो प्रेफरेंस हमेशा एक स्पेशलिस्ट को अपनी पोजीशन में पहले मिलती है.